सत्ता में रहते हुए लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई ये तो पहली बार सुनने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, खुद को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप में शक्ति है कि नहीं। सांप्रदायिकता, संविधान को खतरा, लोकतंत्र की हत्या, भाई हम लोग 2014 से सुनते आ रहे हैं, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ, ये है लोकतंत्र की हत्या। को हटाने की मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हट जाए। जब नीति निर्धारक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अकेले चलने की राजनीति पर वो काम करते हैं, रणनीति पर वो काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने बयान में साफ कह दिया, हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ही बिहार से हट जाए, यानी कि साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बीते 25 फरवरी को महागठबंधन के द्वारा पूर्णिया में रैली की गई है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़ा कर रहे हैं चिराग पासवान। क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा बयान सुने आप। विशेष का विरोध दिखता है भाई, और कांग्रेस में ये गलती है या महागठबंधन के नेताओं में ये गलती है? आप अपना विजन तो बताइए भैया कि आपका विजन क्या है। आज अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करता हूं, तो उनकी खामियों को उजागर करने के साथ साथ मैं समाधान में विकल्प भी देता हूं कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कैसे हम लोग एक विकसित बिहार का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, या जहां जहां गलतियां हुई हैं कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आई गिव यू एन ऑल्टरनेटिव। आपका ऑल्टरनेटिव क्या है महागठबंधन के नेताओं का, बताएं भाई। जब ये बोलते हैं 100-100 मोदी भी आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, भाई तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से एतराज है ना। आपने ना उनकी नीतियों पर उंगलियां उठाई, क्यों नहीं आप महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों पर आप बोल रहे हैं? आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे आप आरोप कर रहे हैं। इनकी महागठबंधन की रैली जो इन्होंने गृह मंत्री जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी, भाई क्या जरूरत है उस रैली का? सत्ता में है आप, हैं सत्ता में रहते हुए लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई ये तो पहली बार सुनने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, खुद को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप में शक्ति है कि नहीं। और उस रैली में भैया ये गंभीर बात है, सुनिएगा इसको गंभीरता से, आपके सवाल को मैं जरूर लूंगा अपनी बातों को समाप्त करने का। उस रैली में मुझे बताइए इन लोगों ने बिहार को लेकर क्या विजन दिया, बताइए मुझे। मैंने एक एक नेता के भाषण को उस दिन सुनने का मैंने प्रयास किया, बिकॉज मैं भी सुनना चाहता हूं भैया कि सत्ताधारी पार्टी के पास क्या विजन है, क्या इन्होंने विजन दिया। मुख्यमंत्री ने अपराध को लेकर, अपराध को नियंत्रित करने को लेकर अपने भाषण में क्या बातें कही, या मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने को लेकर क्या बातें कही, या जो लोग सड़क पर पिट रहे हैं, छात्र हो, अभ्यर्थी हो, शिक्षक, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बातें कही, या किसान को लेकर क्या बातें कही, या बिहार आने वाले दिनों में विभिन्न विकास के मापदंडों पर कैसे अगले पायदान पर जाएगा उसको लेकर इन्होंने क्या बातें की, वही किसी पिटी बातें। सांप्रदायिकता, संविधान को खतरा, लोकतंत्र की हत्या, भाई हम लोग 2014 से सुनते आ रहे हैं। ये हत्या पिछले 10 सालों में तो हुई नहीं, अब ये हत्या हो जाएगी, 10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 9 साल टू बी प्रिसाइज, बट 2013 से ही कैंपेन शुरू हो गया था, तब से ये लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। कहां हत्या हो गई भैया लोकतंत्र की? देश में चुनाव होने बंद हो गए भाई, लोकतंत्र की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं जनादेश का अपमान करके, और एक बार नहीं दो बार आपने अपमान किया, ये लोकतंत्र की हत्या है भाई। 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई अपने एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ, ये है लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। संविधान की हत्या कोई कर रहा है, दलित महादलित भाई, अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल होता है संविधान में, आप संविधान की हत्या नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं इस तरीके की बंटवारे की राजनीति को प्रोत्साहन देकर। तो भाई ये लोग हैं, आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप विकास का विजन आप सामने रखिएगा, वो विजन है नहीं। किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, मुख्यमंत्री को चिंता है कि भैया माझी जी कहीं चले ना जाए, उनको पकड़ रहे हैं, खुले मन से प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए भैया हम आपको देंगे, ये प्रलोभन की राजनीति नहीं है तो और क्या है भैया, कि आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, पर आप कहीं जाइएगा मत, आपके विचार सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, आपको जो चाहिए हम देंगे, आप जाइएगा मत, क्योंकि एक नेता हमारे छोड़ के चले गए। तो भाई उस मंच में बिहार बिहारियों के लिए क्या था? तो जब सामने खड़े हुए युवा जब ऐसा विरोध करते हैं तो वो विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि आक्रोश को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हटाने की मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हट जाए। जो समस्या की जड़ में है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं, तो जो समस्या की जड़ में है, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकाना मंत्री से क्या लेना देना भैया, जब नीति निर्धारक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अकेले चलने की राजनीति पर वो काम करते हैं, रणनीति पर वो काम करते हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक धांधलियां भी सामने उजागर हुई हैं, और जिस तरीके से भर्तियों को भी लेकर
यहाँ पे एक अनियमितता देखी गई है, भाई सीटेट के छात्र अभ्यर्थी हों, बीटेट के अभ्यर्थी हों, विभिन्न और विभागों से जुड़े हुए हों, उसकी मूल में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही आदेश है ना। तो ऐसे में जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, तब तक इनकी मांगों का समाधान इनके पास सिर्फ लाठी है, उसके अलावा कोई समाधान। तो आपने साफ सुना किस तरीके से वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री और फलाने ढिपकाने मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा, जब मुख्य बिंदु पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वही साफ कहा है कि आप किनकी नीतियों का विरोध करते हैं, आप बार बार कहते हैं कि 100 मोदी भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा 24 में, तो आपको दिक्कत केवल एक इंसान से है ना कि पूरी पार्टी से। तो कई मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा है। अब देखना है कि आने वाले आगामी 24 में किस तरीके से चुनाव होता है, क्या महागठबंधन की जीत होती है या NDA बाजी मारती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।